फ्रेंड हमारे साथ, दो अंकल आ रहे थे जो चलो आपके साथ पैदल चलूंगा। तो आधे रास्ते आए पैदल चल के और 1 किलोमीटर जब मंदिर यहाँ से बच रही है तो उन्होंने घोड़ा ले लिया और उसके बाद मुझे भी कह रहे हैं आप भी आ जाओ घोड़े पे, आ जाओ भैया घोड़े पे चलता हूँ। मैं बोला नहीं नहीं मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, आप बढ़ो मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ। ये फ्रेंड आप देख सकते हो चिनाब नदी, तो आप ये देख लीजिए चिनाब नदी, आपको दिखा रहा हूँ जम्मू कश्मीर की। अभी रियासी जाने में मिल रही है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और अभी यहाँ से आप देख सकते हो तो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड जैसे कि मैं बता दूं आज मैं जा रहा हूं शिवखोड़ी धाम दर्शन के लिए, तो आप लोग भी हमारे ब्लॉग में अंत तक बने रहे। वहां देखता हूं अगर कैमरा अगर अलाउ होगी तो आपको दिखाता हूं शिवखोड़ी धाम। और शिवखोड़ी धाम के बारे में मैं आपको बता दूं ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, तो आप लोग अंत तक बने रहे, आपको मैं वहां जाके दिखा रहा हूं कैसा क्या शंकर भगवान का मंदिर है, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ हमारे साथ जो जा रहे हैं, कल जो टीम थे हमारे साथ में सारे सेम ही हैं, तो अभी आप लोगों को भी मिला रहा हूँ आंटी से। तो आप देख सकते हो यही भैया हैं जो कल थे, तो देख। और इधर आपको दिखा दूं पीछे ऋषभ भाई और इधर आंटी और पीछे में और एक आंटी बैठे हैं और इस तरफ में मेरी दीदी बैठी हुई है। तो आप अंत तक बने रहे हमारे ब्लॉग में, आपको फ्रेंड दिखाता हूँ रियासी में शिवखोड़ी धाम। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का रोड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो गाड़ी जा रही है आगे ये भी हम लोग की ही ग्रुप की है, टोटल 6 गाड़ी है हम लोगों के ग्रुप में। फ्रेंड आप देख सकते हो चिनाब नदी, तो आप ये देख लीजिए चिनाब नदी, आपको दिखा रहा हूँ जम्मू कश्मीर की। अभी रियासी जाने में मिल रही है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और अभी यहाँ से आप देख सकते हो स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं। इधर आप घोड़े वगैरह ले सकते हो, अप डाउन के आपको 600 रुपए लेंगे। ये जो भैया आप घोड़े देख रहे हो ये अप एंड डाउन के आपसे लेंगे 600 रुपए, देख सकते हो। आपको इधर से ले जाएंगे फिर उधर से ले के आएंगे 600 रुपए। भैया ये देख कैसे होगा, देख कैमरा। हाँ ये देखो इसको बोलते हैं शिवखोड़ी। तो इधर आप देख सकते हो यहाँ झरना, आप देख सकते हैं इधर ये शिवखोड़ी का झरना। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं।
ये देखो भाई साहब को घोड़े लेके आ गए इधर, देखिए ये जो घोड़े से भक्त जा रहे हैं शिवखोड़ी धाम दर्शन के लिए, तो इनसे लिया जा रहा है 600 रुपए, 300 जाने के और 300 आने के। तो हम लोगों ने भी अपना यात्रा चालू कर दिया है और 3 आदमी हम लोग पैदल जा रहे हैं, आगे जो वो अंकल दिख रहे हैं। तो यहाँ से पैदल हम लोगों ने अपना यात्रा चालू कर दिया है, तो आगे बढ़ रहा हूँ और आपको भी दिखाता चल रहा हूँ। शिवखोड़ी धाम ये देख सकते हो आप, और इधर देखिए यहाँ से नदी कलकल करके बहती हुई, और इधर का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो, काफी सॉलिड ये व्यू है शिवखोड़ी धाम के। ये व्यू आपको फ्रेंड कहीं ये व्यू नहीं मिलेगी, ये शिवखोड़ी धाम में ही आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो। इधर आप झरने देख सकते हो, और इस झरने में देखिए काफी आपको यहाँ पे नहाते हुए दिखेंगे भक्तजन को, आप देख सकते हो यहाँ पे नहाते हुए इस तरफ में। और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इधर देखिए आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगी। तो अभी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो ये व्यू नेक्स्ट लेवल है भैया, नेक्स्ट लेवल, ये व्यू नेक्स्ट लेवल की आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे कितनी सुंदर ये मंदिर आपको मैं दिखा दूं, नीचे ये कलकल करके नदी बहती हुई आप देख सकते हो इधर हमारे वीडियो में, और नदी के जस्ट बगल में ये मंदिर देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये कितना खूबसूरत ये मंदिर है, और ये देखिए ऊपर इसके पहाड़ और ये मंदिर, नेक्स्ट लेवल भैया व्यू आ रही है आप देख सकते हो फ्रेंड। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी देखने के लिए। और ये आपको मैं शिवखोड़ी धाम ले जा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, तो आप शिवखोड़ी धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी यहाँ से ऊँचे ऊपर चलते हैं, देख सकते हो काफी भक्तजन जा रहे हैं इधर, तो मैं भी जा रहा हूँ और आपको दिखाता चल रहा हूँ इस तरफ। आप देख सकते हो ये नदी और ये लोहे की ब्रिज, भाई नेक्स्ट लेवल ये। इधर देखिए ऋषभ भाई को जाते हुए, यहाँ से फ्रेंड आप देख सकते हो शिवखोड़ी और 1 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारे साथ 2 अंकल आ रहे थे जो चलो आपके साथ पैदल चलूंगा, तो आधे रास्ते आए पैदल चल के, और 1 किलोमीटर जब मंदिर यहाँ से बच रही है तो उन्होंने घोड़ा ले लिया, और उसके बाद मुझे भी कह रहे हैं आप भी आ जाओ घोड़े पे, आ जाओ भैया घोड़े पे चलता हूँ। मैं बोला नहीं नहीं मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, आप बढ़ो मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ। तो मैं अभी पैदल ही चल रहा हूँ शिवखोड़ी धाम दर्शन के लिए फ्रेंड, तो अपन तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ट्रस्ट की तरफ से यहाँ सारे के रेट निर्धारित किए गए हैं, तो आप इसी अनुसार
आप देख घोड़े का क्या रेट होता है, पालकी का क्या रेट होता है, सारा लिखा हुआ है, सिंगल साइड डबल साइड सारे लिखे हुए हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को देखें और आप अगर इधर आते हो तो यही अनुसार आप उन्हें पैसा देंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। ये फ्रेंड आप देख सकते हो, मैं जो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इधर से ही मैं गया दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी धाम की। तो वहाँ जाके मैं दर्शन किया, वहाँ शंकर भगवान की बहुत बड़ी आपको शिवलिंग दिखेगी, जो कि मैं अच्छे से दर्शन करके आया। और वहाँ सारे हिंदू देवी देवता हैं, आपको दर्शन होगी वहाँ पे। और ये देख सकते हो यही रास्ता से मैं अंदर गया, और इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ शिवखोड़ी धाम की भीड़, आप देख सकते हो। इस तरफ में यज्ञ वगैरह होती है और इधर आप देखिए, इधर आप देख सकते हो, ये व्यू काफी सॉलिड दिखेगी आपको। यहाँ से पानी बहती है देख सकते हो, अभी नहीं है, बारिश के समय काफी रहती है। और ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए पानी की सुविधा की गई है, वहाँ पानी टैंक वाटर टैंक आप देखिए कितनी बड़ी बनाई गई है। और ये आप भी देखिए कितना सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो ये शिवखोड़ी धाम का, आपको मैं साइड दिखा रहा हूँ, ये व्यू सब कितनी अच्छी है। ये जो आपको मैं फ्रेंड दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो हमारे सामने जो ये आपको गुफा दिख रही है, आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो ये गुफा। तो ये जो फ्रेंड गुफा है आप देख सकते हो, यही पवित्र शिवखोड़ी गुफा है। तो इसी गुफा के अंदर आप जाओगे, करीबन 100-150 मीटर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको देवी देवता के दर्शन होंगे, और उस जगह पे आपको बड़ी सी शिवलिंग की दर्शन होगी। तो यही गुफा से हम लोगों ने कतारबद्ध होकर अंदर गया और अंदर जाकर शिवलिंग की दर्शन की है। तो आप देख सकते हो यही वो गुफा है। तो हम लोगों ने दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया और दर्शन करके अंदर से निकल गए, आप देख सकते हो। तो यही वो गुफा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप फ्रेंड हमारे गेस्ट पीछे देख रहे हैं, यही पवित्र गुफा है शिवखोड़ी धाम की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वीडियो में, आप देख सकते हो फ्रेंड। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन करके आ गया है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कल सुबह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।